हेलो एवरीवन, आज हम आपको हिमाचल की एक ट्रेडिशनल डिश बनाना सिखाएंगे जिसे हम पतोड़ या पतोड़ू भी कहते हैं। तो ये जो डिश है ये कैलोकेशिया या कचालू के पत्तों के साथ बनाई जाती है। तो आज हमारी जो दादी हैं ये हमें सिखाएंगी कि किस तरह से ये डिश बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जो है वो पत्ते कचालू के चाहिए। पतीड़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मक्की का आटा, या फिर आप बेसन का यूज भी कर सकते हैं। साथ में आपको हरी मिर्चें चाहिए जो हम अपनी क्यारी से तोड़ के लाए हैं। लहसुन चाहिए, अजवाइन आपको चाहिए, नमक, हल्दी और घर का बना हुआ मसाला है जो मिक्स है आपका, धनिया पाउडर है इसमें, मेथी है और लाल मिर्च है। साथ में आपको जो पत्ते हम कचालू के लाए थे वो चाहिए। हमने इनको धो लिया है, अब इनका जो पानी है उसको हम साफ कर लेंगे। एक टिश्यू पेपर या टॉवल की हेल्प से आप इसको पानी को पूरी तरह से साफ कर लेंगे। जो हमारे पतोड़ू है इसे हम पूरे ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो इसके लिए हम ओखली का यूज कर रहे हैं। तो हिमाचल में जो है इसे कुंडी कहते हैं और इसी में हम इस लहसुन और हरी मिर्च का जो है हम पेस्ट बनाएंगे। मिक्सचर को जो है वो मक्की के आटे में मिक्स कर देंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है। इसके बाद हम इसमें कुछ अजवाइन डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, ये घर की हल्दी है हमारी, और हमारा घर का ही बना हुआ मिक्स मसाला जिसमें धनिया, मेथी और लाल मिर्च है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस पानी को जो है एक कंसिस्टेंसी आपको बताएंगे हम किस तरह की कंसिस्टेंसी आपने बनानी है। हम मक्की के आटे के पतीड़ बना रहे हैं, आप जो है वो बेसन के पतीड़ भी बना सकते हैं, पर जो बेसन होता है उसके जो पतीड़ होते हैं उनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से किसी से भी पतीड़ बना सकते हैं। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। तो इसके बाद हमें इन पत्ते के जो डंठल है इनको काटना पड़ता है ताकि जो यहाँ से प्लेन हो जाए, क्योंकि यहाँ से इसका जो पार्ट है वो थोड़ा मोटा होता है। तो अब हम अपने पत्तों की कोटिंग शुरू करेंगे। तो अभी हमारे पतीर जो है वो कोट करके तैयार हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टीम करके पकाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, नीचे आप देख सकते हैं पतीले में पानी डाला हुआ है और ऊपर से हमने लकड़ियों का एक जाला सा बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर हम अपने पतीर जो है वो
रखेंगे। तो हमने अपने पतोड़ों को अब चूल्हे से उतार लिया है, तो अब हम देखेंगे कि क्या वो स्टीम हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो इन्हें अभी हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद यहाँ इस बर्तन से हम निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पतीड़ बनके तैयार हैं, हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब इस तरह से आप अपने पतीड़ लेंगे और चाकू की मदद से इनको इस तरह से काटेंगे। हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा आपका सरसों का तेल डाला है। तेल को अब गर्म होने दें, इतना गर्म कि जितना तड़के के लिए आप तेल गर्म करते हैं, इस तरह से डाल दें। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक तरफ से काफी अच्छे से शैलो फ्राई हो चुके हैं, तो आप दूसरी तरफ से भी इनको करेंगे और इनको सबको पलट देंगे। आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है इनका। इसमें निकाल लेंगे, ये दोनों तरफ से काफी अच्छे से शैलो फ्राई हो चुके हैं। आ जाओ जी तो हम खाई लो पतौड़े बनी। थैंक यू।